नमो नारायण। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में एक 8 श्लोक या 8 छंदों की एक स्तुति की रचना की थी, स्तोत्र की रचना की थी, जिसे कृष्णाष्टकम कहते हैं, क्योंकि 8 छंदों में कृष्ण की इसमें वंदना की गई है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना जगत गुरु के रूप में की गई है, और अन्य अष्टक साहित्य जो है, अष्टक के रूप में जो लिखे गए स्तोत्र हैं, जो काव्य हैं, उनकी तरह इसकी भी विशेषता यह है कि इसे बहुत ही मधुर स्वर में बहुत ही अच्छे से गाया जा सकता है। तो इस कारण इसकी गायन क्षमता और साहित्यिकता और इसकी जो भक्ति भाव है, इस कारण ये आज भी उतना ही पॉपुलर है। ये इसकी रचना शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में की थी। आज 1200 साल बाद भी यह रचना उतनी ही लोकप्रिय है, उतना ही इफेक्टिव है। तो हम देखते हैं कि ये रचना 8 श्लोक कौन से हैं और इसके अर्थ क्या होते हैं। पहला श्लोक है, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कंस चारुण का मान मर्दन करने वाले अर्थात मारने वाले वसुदेव के पुत्र, जो कि माता देवकी के परमानंद के कारण है, उस जगत गुरु श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अत्स्य पुष्प शंकाशम का हारम नुपुर शोभितम रत्न कंकन केयूरम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। अत्स्य के फूलों के माला से सजे हुए, रत्नों के कंगन, नुपुर और हार से चमकते हुए जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। कुटिला लक संयुक्तम पूर्ण चंद्र निभाननम विलसत कुंडल धरम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दैवीय तेज से सुसज्जित चंद्रमा के समान तेज सिर उनका मुख, काले घुंघराले बालों के लट और सुंदर कर्ण आभूषण से सजा हुआ है, ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। मंदार गंध संयुक्तम चारुहासम चतुर्भुजम बहिर्पिच्छाब चूरांगम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जिनके शरीर पर चंदन का सुगंधित लेप है, जिनके मुख पर प्यारी मुस्कान है, जिनके 4 भुजाएं हैं, जिनके सिर पर सुंदर माला है, उस जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। उत्फुल्ल पद्म पत्राक्ष नील जी मुत सन्निभम यादवानाम शिरोरत्नम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जिनकी सुंदर आंखें पूर्ण खिली हुई कमल के समान है, जिनके शरीर का रंग वर्षा वाले मेघ के समान नीला है, जो यादव कुल के सिर के आभूषण की तरह है, उस जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। रुक्मिणी केल संयुक्तम पीताम्बर सुशोभितम अवाप्त तुलसी गंधम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो रुक्मिणी शंख क्रीड़ा करते हैं, जो पीले रंग के वस्त्र से सुसज्जित हैं, जो तुलसी सुवास से आकर्षित होते हैं, उस जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। 7वां श्लोक है, गोपिका नाम कुछ दंद कुंकमांकित वक्षसम श्री निकेतम महेश वासम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो गोपिकाओं के प्रिय हैं, गोपियों के क्रीड़ा से जिनके वक्ष स्थल पर कुमकुम का लेप लगा है, जो हमेशा लक्ष्मी के साथ रहते हैं, जो भगवान शिव के जीवन श्वास है, उस जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। श्री वत्सकम महोरष्कम वनमाला विराजितम शंख चक्र धरम देवम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जिसके चौड़े वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, जो वनमाला से सुसज्जित है, जिनके हाथों में शंख और चक्र है, उस जगत गुरु कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इस तरह इन 8 श्लोकों में कृष्ण की वंदना की गई है। 9वां श्लोक इसके फल श्रुति को बताता है, मतलब इसके सुनने का जो फल प्राप्त होता है उसके वर्णन करता है। कृष्णाष्टकम विदम पुण्यम प्रातरुत्थाय यह पठेत कोटि जन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति। अर्थात जो कोई सुबह इस कृष्णाष्टकम का जप करता है, इसको भगवान को सुनाता है, उसके पिछले करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसे प्राप्त होती है। तो ये था कृष्णाष्टकम, बहुत ही मधुर और बहुत ही लोकप्रिय
स्तोत्र है भगवान श्री कृष्ण का ही है। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और स्तोत्र के साथ। नमो नारायण।